मथुरा यानी ब्रजधाम। ब्रजधाम में पिछले 150 वर्ष से चली आ रही भगवान राम की लीला, जिसके लिए धर्म और प्रेम की नगरी कहे जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा इस बार फिर तैयार हो चुकी है रावण दहन के लिए, जिसमें भगवान राम द्वारा दशहरा के पर्व मारे जाने वाले बुराई के प्रतीक रावण के पुतले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, ताकि कल को होने वाले दशहरा पर्व पर भगवान राम के द्वारा रावण का वध किया जा सके। जबकि इस रावण के पुतले को बनाने के लिए मथुरा सहित कई राज्यों से आए कई दर्जन कारीगरों द्वारा पिछले लगभग 2 महीने से रावण के विशाल पुतले को बनाया जा रहा है। महंगाई के कारण अब इन कारीगरों को पहले की तरह पुतले बनाने में मजा नहीं आता, इसलिए अब की बार ये पुतला 80 फीट ऊंचा बनाया गया है। वहीं इसके साथ खड़े किए जाने वाला कुंभकर्ण भी इस बार 70 फीट बनाया गया है। वहीं प्रेम की मिसाल पेश करने वाला मथुरा नगर इस बार भी राम और रहीम के प्रेम को दर्शाता नजर आ रहा है, क्योंकि जब दशहरा पर भगवान राम जिस रावण का वध करेंगे वो रावण बना हुआ है मुस्लिम समाज के कारीगरों के हाथों से, जो कि प्रेम की मिसाल पेश करता है। ये आपने जो रावण दहन के पुतले जो बनाए हैं, कितने पुतले बनाए हैं और ये कितने दिन लगे इसको बनाने में? 2 पुतले जलते हैं, या फिर दसवीं, एक नौवीं को जलता है, 2 दसवीं को जलते हैं जी। इस बार क्या विशेषता है इन दोनों पुतलों में? विशेषता यही है, इसकी खूबसूरती बढ़ाई गई है और लंबाई बढ़ाई गई है, और फिर और भी उसमें कुछ दिखाएंगे। तो ये खाली समय में मतलब आप क्या लोग क्या करते हो? क्या कि अभी तो चलो ये दशहरा है, विजय दशमी का पर्व है, दशहरे के बाद में हम जो है सालक का जो देव उठान हो जाता है, कंस वंश बनाते हैं, उसके बाद में ये सालक में लग जाते हैं, गुलाब बाड़ वगैरह, ये झाड़ बाड़, ये मथुरा के तत्वाधान में रामलीला महोत्सव मथुरा के अंतर्गत चल रहा है। इसमें राम बारात वगैरह सारी निकल गई। अब ये विजयादशमी का पर्व रामलीला मैदान में होगा, जो जिसके दशहरा के पुतले वगैरहों का तैयारी चल रही है लगभग 1-1.5 महीने से, और इसमें काफ़ी दूर से भी कारीगर आए हुए जो रावण बनाते हैं। कितने कारीगर आए हुए हैं? लगभग हैं 15-20 कारीगर। कितने फुट की दोनों पुतली बनी है? लगभग रावण का पुतला है 80 फुट का। पिछली बार के देखते हुए इस बार क्या मतलब इसमें अलग से कुछ किया गया? नहीं नहीं, ये जो चेहरा होता है, मुकुट है, उसका अलग ही मतलब डिजाइन दी गई है, और उसमें लाइट वगैरहों की व्यवस्था होगी, हंसता हुआ चेहरा होगा, और भी सारी व्यवस्थाएं जो रखी गई हैं इसमें। कमेटी की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? नहीं, सारी चीज़ें कमेटी की तरफ से ही हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।